जय जी जी जय जी, जमशेदपुर के डीसी सूरज कुमार ने आज वोटरों के लिए हरी झंडी देकर रथ को रवाना किया है, क्या है जी? जी बिल्कुल, देखिए विनोद जी आपको बता दें, जमशेदपुर के आज डीसी कार्यालय से डीसी सूरज कुमार जी ने आज वोटर जागरूकता रथ को रवाना किया है। मकसद ये है जिन लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा है वो लोग अपने नाम को चढ़वाएं, और जिनका भी घर से कोई भी सदस्य डेट कर गए हैं उनका भी आकर के नाम को कटवा लिया जाए वोटर से। इस मामले को लेकर के रवाना किया गया है दो रथ को, जो पूर्वी सिंहभूम को लेकर के आपका पूर्वी क्षेत्र में और साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्र में ये रथ जो है घूमेगी, उसको हरी झंडी दिखा करके आज रवाना किया गया है। साथ ही साथ डीसी साहब का कहना है, हम लोगों ने दो दिन तक कैंप भी लगाया है रविंद्र भवन में, वहां पर भी लोग आए और आकर के अपने वोटर में नाम भी चढ़वाए, और जो लोग गुजर गए हैं घर के लोग डेट कर गए हैं उनका आके नाम कटवाए। तो हमने इस बात पर डीसी साहब से जब बातचीत किया है ग्रामीण क्षेत्र में कि क्या तैयारी है वहां का, किस तरह का है, तो उनका कहना है ग्रामीण क्षेत्र का काफी अच्छा रिस्पांस है वोटर का, वहां पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, शहरी क्षेत्र में है इसीलिए हम लोग शहरी क्षेत्र में रथ को रवाना किए हैं और जागरूकता कर रहे हैं लोगों के बीच। जी जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना नेट के लिए। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के सीओ सर के दिशा निर्देशों में लगातार चल रहा है। इस क्रम में जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको इलेक्ट्रल रोल में जोड़ने की कार्रवाई की जानी है, या उनका अगर शिफ्टिंग हो गया या डेथ हो गई तो उनको हटाने की कार्रवाई की जानी है। इसी क्रम में या फिर अगर कोई पर्टिकुलर वोटर अपना वोटर आईडी कार्ड में कोई त्रुटि है उसका निराकरण करवाना चाहते हैं, या अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ से उनको अपना नाम दूसरे बूथ में डलवाना है, तो इस चीज़ के लिए इलेक्ट्रल रोल जो है अपडेशन के कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है जिसमें कि हम लोगों को दिखा कि पूर्वी और पश्चिमी जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा, जो शहरी निकायों का क्षेत्र है, वहाँ पे वोटर्स में कुछ जागरूकता की कमी है और इस कारण जो रिक्विजिट नंबर फॉर्म्स हम लोगों को चाहिए वो आ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये मतदाता जागरूकता रथ जो है वो रवानगी करी है ताकि हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ आज और कल विशेष कैंप का भी आयोजन किया हुआ है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बूथ पर जाके अपना नाम जुड़वा सकता है, अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्टिंग करवा सकता है, या अगर कोई व्यक्ति संबंधी कहीं चले गए या मृत्यु हो गई तो उनका नाम डिलीट करवा सकता है। चूँकि पंचायत निर्वाचन भी होने हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जनता से मेरा स्पेशल निवेदन है कि आज और कल जो स्पेशल कैंप लगे हुए हैं उसमें जाके वोटर लिस्ट में अपने बूथ में डेफिनेटली चेक कर लें कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि जो जिन लोगों का नाम होगा सिर्फ उनको ही इलेक्शन में खड़ा होने की या वोट देने की छूट रहेगी। तो अगर आपका नाम नहीं है तो इमीडिएटली फॉर्म 6 भर के उसके बाद फिर अपना नाम जो है उसमें जुड़वा लें। शहरी क्षेत्र में सर ये जागरूकता रथ घूमेगी? दोनों क्षेत्रों में घूमेगी पर शहरी क्षेत्र हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि अगले 4 दिन जो इसके संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाकी हैं उसमें हम लोग को मैक्सिमम फॉर्म जो है वो शहरी क्षेत्र में करवाना है। ग्रामीण क्षेत्र में रिलेटिवली बहुत बेटर काम हुआ है, पर जो हमारा गैप और लैकुना दिख रहा है वो दोनों शहरी निकायों में दिख रहा है।